अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 119। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे, एक 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे और वो भी यूसीएस आइकन्स एंड यूसीएस व्यूज व्यू की मदद से। और उसमें और भी मुख्तलिफ किस्म के टूल, जैसे कि प्रेस पुल टूल हो गया, उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, सर्कल का क्या फंक्शन होता है, रेडियस का क्या फंक्शन होता है, तो इन सब के ऑपर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और उससे पहले मैं आपको ड्राइंग बता देता हूँ जिसपे हमने काम करना है। हम इस ड्राइंग के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो अब मैं जो काम मैंने करना है वो क्या है कि मैं यहाँ से ऑटो कैड को ओपन करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ऑटो कैड को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और इसे मैं SW आइसोमेट्रिक व्यू में लेके आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने काम करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लाइन है वो हमारे पास 118 है। तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ जो है 118 है, तो उसको मैं एंटर करता हूँ और F8 प्रेस करता हूँ, 118 एंटर करता हूँ। और विड्थ इसकी जो है तो 44 है, 44, 118, 44। ओके, अब मैं इसको जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ, इसको प्रेस पुल की मदद से मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा। तो एक्सट्रूड कितना करना है, इसको मैंने 16 एक्सट्रूड करना है। तो मैं यहाँ से इसे एक्सट्रूड करता हूँ, प्रेस पुल कमांड से कर सकते हैं और एक्सट्रूड कमांड यूज कर सकते हैं, 16 एंटर। ओके, 16 के बाद अब मैंने इस पर काम करना है कि देखें यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक इसका ऑफसेट है, तो वहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो ऑफसेट है वो आई थिंक 22 है। तो 22, क्योंकि 44 का हाफ जो होता है 22 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका ऑफसेट 22 है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये एजेस को कॉपी करूँगा, सॉरी इस एज को कॉपी करूँगा, और कितना जी 22 एंटर। ओके, और यहाँ से इसकी मिड पॉइंट से सर्कल लेता हूँ एक, सी एंटर। 44 का जो हाफ होता है वो 22 होता है, तो 22 एंटर करता हूँ, देखता हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे देखें ये लग के। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा सर्कल है वो है जी 44 का, 24 का जो हाफ होता है, बल्कि 16 का हाफ 8 होता है, तो 8 का मैं यहाँ पे एक और सर्कल लेता हूँ, सी एंटर, इस पॉइंट से 8 एंटर। ओके, प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा अभी, ओके, और इसको डिलीट करता हूँ, मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको भी यहाँ से प्रेस पुल की मदद से मूव डाउन करता हूँ। ओके, और यहाँ से ये मुझे एड्स नहीं चाहिए तो इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सही है, यहाँ तक चीक क्लियर हुआ। और अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है वो देख सकते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक जो है 24 है और 16। तो मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ, 24, एल इंटर, 24 इंटर, 16 इंटर, और फिर यहाँ पे इसको इस कॉर्नर पे जोड़ देता हूँ, सर्कल सी इंटर, 8 इंटर। ओके, और यहाँ से इसको मैं ट्रिम करता हूँ, TR डबल इंटर, सिंगल इंटर करें, जिस जिस एरिया को आपने ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करें और स्पेस प्रेस कर दें, मैंने इसको ट्रिम करना है और बस यहाँ से इसको डिलीट करना है। यहाँ पे फिर प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट करके उसको मूव डाउन करता हूँ, और यहाँ पे डाउन मूव करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, देखते हैं जी रियलिस्टिक व्यू में। ओके, यहाँ तक हमारे पास ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट अब जो काम करना है वो क्या काम करना है जी, वो हमने करना है यहाँ से यहाँ तक का जो ऑफसेट है वो है जी, यहाँ से यहाँ तक जो है, हाँ वो है यहाँ पे दिया हुआ है 12 है, और यहाँ से यहाँ तक है 48। तो 48 और 12 का मैं ऑफसेट लेता हूँ, या फिर मैं इसको फ्रंट व्यू में ले जाके 48/48 में इसको यहाँ से दूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे तो 48 हमारे पास आएगा। तो इसको मैं यहाँ से अगर फ्रंट व्यू में लेके आता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास फ्रंट है, इस पर काम करना है, तो मैं यहाँ से फ्रंट में जाता हूँ, यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में काम करता हूँ, फ्रंट व्यू में आ गया, और मैं एक सी रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये थोड़ा हमारे पास ये थोड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा इस तरह, तो मैं यहाँ से इसको टॉप पे ले आता हूँ, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको जो है तो मैं ऑफसेट लेता हूँ यहाँ से 12 का, एंटर, और दूसरा ऑफसेट जो मैं लेता हूँ यहाँ से कितना है जी, 48 का, यहाँ से यहाँ तक 48। ट्रिम कमांड यूज़ करता हूँ TR एंटर, यहाँ से इसको इसको सेलेक्ट किया स्पेस, और इन दोनों को यहाँ से ट्रिम करता हूँ, रेक्टेंगल REC एंटर, ओके इसको मूव करता हूँ अब एम एंटर, मैं अलग से बना के तो मैं इसको इसके ऊपर प्लेस करूँगा, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके अब इसको एक्सट्रूड करना है, तो वो कितने जी हमने करना है, वो करना है यहाँ से 48 का करना है, तो EXT एंटर 48, और यहाँ से लेफ्ट व्यू में जाता हूँ, देखते हैं राइट या लेफ्ट में, देखता हूँ काम करेगा कि नहीं, तो एल एंटर करता हूँ मिड पॉइंट से यहाँ तक, और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक सी एंटर करूँगा, और ठीक है सी एंटर करता हूँ, और CA 48 का जो हाफ होता है वो होता है जी 24, ओके 24 हाफ मैंने दे दिया, और यहाँ पे 8 सी एंटर, और इस सेंटर में 8, ओके और यहाँ से फिर प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा इस कॉर्नर से यहाँ तक, और इस कॉर्नर से यहाँ तक, ओके और यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे प्रेस पुल कमांड इस पर भी यूज़ करूँगा, ओके अब इसको कॉपी करता हूँ, CP एंटर, बल्कि ये जो सर्कल रहता है इसको डिलीट करें, CP एंटर सेलेक्ट करता हूँ स्पेस, और यहाँ से इस कॉर्नर पे इसको रखूँगा, और इसको मूव करता हूँ M एंटर इस कॉर्नर से, कि हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया जी। अच्छा मुझे ये चीज़ें ये याद हैं ये सारी की सारी, क्योंकि मैंने यहाँ इन ड्राइंग्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, इससे मुझे ये सब याद है। तो यहाँ से आप देखें, कैप्चर करें, देखें मेरे पास ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसको कैप्चर करने का तरीका ही है कि आप विंडो में जाएंगे, जो मेरी वीडियो देखते देखते आप कैप्चर कर सकते हैं, इसको विंडो में जाएँ, और यहाँ से आप सर्च में या फिर आपके पास जो भी विंडो है, तो यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ से आपके पास एक टूल होता है, मैं आपको बताता हूँ, सर्च में आप जाएंगे और यहाँ पे एक टूल होता है जिसे कहते हैं स्नैपिंग टूल, स्नैपिंग टूल है, क्लिक करें इसको, और यहाँ से न्यू करके, तो यहाँ से आप देखें पूरी की पूरी ड्राइंग को कैप्चर करें, कैप्चर करने के बाद इस पर आप काम करें, और मैं भी यही काम करता हूँ, कैप्चर करता हूँ ड्राइंग को और उस पर फिर काम करता हूँ। तो आप यहाँ से कैप्चर करें, सेव करें, देखें ये मेरे पास स्नैपिंग टूल ये पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ न्यू,
और यहाँ तक इसको मैं ले आया, और यहाँ से फाइल में जाके इसको सेव कर दें। सेव करेंगे तो देखेंगे ड्राइंग मेरे पास सेव की हुई, आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से सेव कर दें। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी ड्राइंग को सेव करके भी उस पर काम कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से जो है तो रियलिस्टिक व्यू में लेके आता हूँ, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, और इसको आप यहाँ से दोबारा टॉप व्यू में ले आके, और यहाँ से आप इसे इस व्यू में ले। ओके, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।